गुड मॉर्निंग। बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग, उसमें टॉपिक है छह रोग, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। छह रोग, ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और ये जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा ये होता है। ये रोग का कारक जो है वो जीवाणु है, ट्यूबर बैक्टीरियम, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण यानी कि इसके जो लक्षण कौन से प्रतीत होते हैं, इसके कारण शरीर कमजोर, भार में कमी, तीव्र बुखार और बलगम के साथ खांसी, कभी कभी खांसी के साथ ब्लड भी आ जाता है, बलगम के साथ खांसी, यानी इसमें फेफड़े इफेक्टेड होते हैं, मोस्टली फेफड़े और हड्डियां इसमें इफेक्टेड होती हैं। और फेफड़ों में कैल्शियम लवणों की गुटिकाएं बन जाती हैं, जिसके कारण फेफड़े जो हैं वो खराब होने, इनकी वहाँ के ऊतक खराब होने लगते हैं, ऊतक खराब होने लगते हैं तो फेफड़ा जो है डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये इनके छह रोग के लक्षण हैं टीबी के। संक्रमण, जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति है यानी कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये कैसे फैलता है, एक तो थूक के द्वारा, जो इसका थूक होता है उसमें इसके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो उसके द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति से अस्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। खांसने छींकने से जो एयर ड्रॉप्स बाहर निकलती हैं वो वायु के साथ में चली जाती हैं, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देती हैं। इसलिए मास्क का प्रयोग, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने पे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, इनके कपड़ों का, भोजन में, यानी भोजन के माध्यम से भी जा सकते हैं तो इनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए, हैं स्वच्छता का, ठीक है ना। और जल और वायु के माध्यम से भी ये जीवाणु अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। इस जीवाणु में ट्यूबरकुलिन नामक एक टॉक्सिन पदार्थ बनता है, जिसके कारण शरीर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। ट्यूबरकुलिन नामक क्या बोलते हैं पदार्थ बनता है, जिसके कारण शरीर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं। उपचार में सबसे पहले तो इसका एक टीका आता है जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद अगर रोग हो जाता है तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, एयर ड्रॉप्स बाहर ना जाएं, इसके लिए मास्क, ठीक है। और आहार यानी कि जो रोगी है उसको हम पौष्टिक आहार देंगे, क्या करेंगे, पौष्टिक आहार, ठीक है। और अगर ये रोग हो गया है तो इसके लिए मेडिसिन्स होती है, आइसोनियाज़िड दवा है और एंटीबायोटिक दूसरी दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनियाज़िड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मेडिसिन्स देनी चाहिए और बीसीजी का टीका लगाना।